सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं पहुंच चुका हूं मड़गांव रेलवे स्टेशन। इस बार थोड़ी सी जर्नी जो है डिफरेंट होने वाली है। सबसे पहली बात बिना फैमिली के हैं, एक तो वही चेंज हो गया तो दिक्कतें भी आएंगी। और दूसरी चीज़ है, इस बार मैं गाड़ी से नहीं जा रहा हूं, तो इस बार मैं जा रहा हूं बाई ट्रेन। तो मैंने यहाँ के लिए यूज़ की थी बस, तो इस बार मैं बजट में ट्रैवल भी करूँगा। तो अगोंडा से कानकोन 15 रुपये लगे और कानकोन से मड़गांव 50 रुपीज़ लगे, और 50 रुपीज़ लगे मेरे यहाँ से जो हाँ बस ने उतारा वहाँ से रेलवे स्टेशन आने के लिए बाइक यूज की जो मैंने। तो ये टोटल मड़गांव स्टेशन पहुँचने का खर्चा आया 100 रुपीज़ लगा के आपके अगोंडा से। और ट्रेन है मेरी अभी 11:20 की। कौन सी ट्रेन है वो मैं अभी सारा कुछ आपको डिटेल में बताते रहेंगे। ट्रेन में चलेंगे, कैसी जर्नी है वो भी बताते रहेंगे। तो ये मैं आके बैठा हूँ बिल्कुल एंड में, क्योंकि इधर की तरफ ना भीड़ नहीं है। जो मेन स्टेशन बिल्कुल गेट के सामने वहाँ पूरी हालत है, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं सोचा क्यों ना इधर बैठा जाए आके, यहाँ पे दूर दूर तक आदमी नहीं है, पंखा भी चल रहा है ऊपर, तो सोचा कि इधर बैठते हैं। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। ये है चंडीगढ़ मड़गांव संपर्क क्रांति 12449 नंबर है इसका। और केवल वीक के 2 ही दिन चलती है, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे मड़गांव साइड से। तो अपनी सीट है 24B3। तो ट्रेन में बैठ चुके हैं अभी, और ये है लगभग 30 घंटे या 31 घंटे यहाँ से लेगी चंडीगढ़ के। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा इससे चंडीगढ़, और उसके आगे फिर बस से मनाली। बाकी अभी चलने में टाइम है, 20 मिनट पहले लगी है ट्रेन। तो ट्रेन फुल थी तो मैंने तत्काल में इसका टिकट मिला मुझे, कल ही इसका टिकट लिया तत्काल में। और अच्छा हुआ एसी का मिल गया है, वरना गर्मी बहुत है, तो उधर जाके तो ज़्यादा ही लगती। तो मैं ट्रेन की बात बता रहा था कि ये ट्रेन 31 घंटे लेती है लगभग पहुँचने में। मुझे बेस्ट लगती है, दिल्ली तक 25 से 26 घंटे में पहुँचा देती है, और चंडीगढ़ तक 30 से 31 घंटे। और उधर से आने का जो टाइम है इसका, आने का है इसका उधर से, एक तो सैटरडे चलती है और एक मंडे, 2 ही दिन चलती है वीक में। इधर से भी 2 ही दिन चलती है, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। तो इस ट्रेन का टिकट कॉस्ट क्या है मुझे 2670 रुपीज़, और मैंने तत्काल में लिया है। अगर नॉर्मल में लेते तो और 2100 या 2200 के आसपास पड़ता बस। और बहुत दिन के बाद ट्रेन से जर्नी कर रहा हूँ मैं। मैंने बहुत पहले 2018 में एक ब्लॉग डाला था ट्रेन से दिल्ली टू जालंधर, काफ़ी चला था, आई थिंक पहले या दूसरा ही ब्लॉग था मेरा। और उसके बाद में अभी यह ब्लॉग बन रहा है मेरा जो ट्रेन से है। अभी थोड़ा टाइम है चलने में, 11:20 का इसका यहाँ से टाइम है, और अभी 11:15 हुए हैं, तो 5 या 10 मिनट में बस निकलेगी अब। अभी हम निकल रहे हैं दीवार आइलैंड के पास से। करमाली रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। आवाज़ शायद इतनी अच्छी नहीं आएगी अब। ये अभी हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, कुडाल क्रॉस कर चुके हैं। आगे कोई स्टेशन है सिंधुदुर्ग, तो अभी सिंधुदुर्ग पहुंच चुके हैं। तो टाइम हुआ है करीब 2 बजने वाले हैं, और वो 3 घंटे हो गए चलते हुए। बहुत ज़्यादा टनल है, लगता है कि अंधेरा हो गया पूरी रात लगती है थोड़ी देर के लिए। अभी पहुंच चुके हैं रोहा करके कोई स्टेशन है ये, और 6 बज गए हैं। सूरज बिल्कुल छिपने वाला है, सामने से सूरज आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है बट शायद कोई ट्रेन क्रॉस करानी होगी, क्योंकि इस ये जो ट्रैक है सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पे रुक रुक के जाना पड़ता है हर जगह। तो ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं ट्रेन से, और अभी अगला स्टॉपेज आएगा पनवेल। तो पनवेल पहुँचेगी लगभग 8:30 बजे के आसपास। सुबह हो गई है और ये अभी हम निकल रहे हैं रतलाम से। रतलाम का स्टेशन अभी क्रॉस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी। सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। सोने में थोड़ी दिक्कत हुई, सीट पतली है कर दी है, काफ़ी पतली हो गई। मेरी अपर थी ऊपर वाली, तो सोने में रात थोड़ा परेशानी हुई। अब आगे की जर्नी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। आज वैसे शाम तक पहुंच जाना चाहिए, अगला दिन है लगभग शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी 12 घंटे और मुझे लग रहा है कि लगेंगे गाड़ी के अंदर ही। हम पहुंच चुके हैं अभी रतलाम, मध्य प्रदेश। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये भी। हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, और अगला स्टेशन आएगा कोटा। देखते हैं कितनी दूर आएगा। वहीं पर कुछ खाने पीने के लिए देखेंगे। ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं है, चाय पी है बस एक। और यहीं खड़े हुए हैं गेट पे, अंदर है काफ़ी। ये गेट पे थोड़ा बहुत रिस्की होता है, तो थोड़ा पीछे रहो बेटर है। बाकी ये राजस्थान के अब जंगल और राजस्थान की गर्मी देखने को मिलती रहेगी। राजस्थान की कचौरी और अपनी चाय। चाय दे दी आपने? पैसे काट लो, क्या पता भागना पड़ जाए। 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे वैसे। तो कोटा भी ट्रेन है लगभग 40 मिनट लेट पहुँची है, 8:10 का टाइम था और 50 में पहुँची है फ़ौरन में। इसका वाला बज रहा है, मुझे लग रहा है इसका बज गया अपनी का। चलो बैठ लेते हैं अपने, कब पता चला यहीं रह जाए। तो ये तीनों गोवा से हैं और अपने यहाँ पे चल रहे हैं ताश। हाँ बोलो, हाय बोलो, हाय तो बोल रहे थे। और एक ये भी है, तो हम अभी ताश खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इतने सारे फ्रेंड बन गए। देखो ट्रेन की जर्नी का ये अलग मज़ा होता है। तो अभी हम पहुँचे हैं निजामुद्दीन, और न्यू दिल्ली बस 10 मिनट का और रास्ता है यहाँ से। तो अभी हम खड़े हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और कैसा लग रहा है? गर्मी अच्छी है या गोवा की अच्छी है? गोवा की अच्छी है, थोड़ा सा बताओ। गोवा की गर्मी कम है, फिर भी यहाँ पे तो आग सी बन रही है बिल्कुल। और अभी बस निकलेगी ट्रेन, बिल्कुल राइट टाइम पहुँची है। 10 मिनट लेट थी बस। 15 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, उसके बाद में फिर आगे निकल जाएंगे हम भी। तो पानीपत क्रॉस कर दिया है। तो अभी चल रहे हैं हम हरियाणा में, और ये आ गया बजीदा जट्टा रेलवे स्टेशन है जट्टा। और पानीपत तो क्रॉस हो ही गया था पीछे मैंने बताया। तो अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अम्बाला। अम्बाला के बाद चंडीगढ़। तो इनको भाई को भी हमने साथ ले लिया, जो अपने गोवा वाले भाई थे, चारों को साथ ले लिया है क्योंकि इनको आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है। ये दिल्ली उतरते, दिल्ली से फिर बस लेते और फिर आगे आते, आना इन्हें फिर भी अम्बाला ही था। तो इससे के साथ चलो, अम्बाला से फिर आगे को बस लेना। तो चलो आगे की जर्नी अब दिखाते रहेंगे। अभी तो टाइम लगेगा पहुंचने में, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद चंडीगढ़। तो जी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। लगभग राइट टाइम पहुंचा दिया है। तो ये पहुंच चुके हैं हम अभी सेक्टर 43 का बस स्टैंड। काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो थक गए, टाइम काफ़ी हो गया, लगभग 7:30 बज गए। और अब यहाँ से निकलूँगा, सीधा मनाली के लिए बस लूँगा। तो यहीं से बस मिल जाती है और किस टाइम पहुँचेगी देखेंगे, सुबह तक पहुँचा देगी आराम से। तो अभी 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट करूँगा, खाना वाना खा के तब यहाँ से निकला जाएगा आगे। तो जी ये लोग पहुंच गए हैं मनाली और सुबह पहुंच गया था लगभग 7:30 बजे। पूरे 48 घंटे लग गए। कल चंडीगढ़ से लग गए थे काफ़ी टाइम। रोड ख़राब है, बस में हालत थोड़ी ख़राब हुई, बट ट्रेन का सफ़र अच्छा रहा। ट्रेन भी काफ़ी बढ़िया थी और बहुत दिन के बाद ट्रेन में सफ़र किया। अभी थोड़ा सा काम वाम देखने हैं यहाँ पे। हल्का सा महसूस हो रहा है, अभी इस बार अकेला आया हूँ ना, क्योंकि हर बार फैमिली के साथ घूमते थे, इस बार अकेले घूम रहा हूँ, अकेले आया हूँ। तो थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आता था। तो खैर चलो ये वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले जो वीडियो होंगे वो आपको इधर से मिलते रहेंगे। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये पूरी जर्नी थी अपनी और अभी लगते हैं काम धाम में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।